ये आपके सामने है दरगाह आलिया, मशहद हिंद समाना, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, रोज़ा शहज़ादा इमाम हज़रत मशहद अली रहमतुल्लाह समाना पंजाब। ये आपका मेन गेट है और इसके अंदर एक और गेट है वो। और आपको मैं इंशाल्लाह ताला ये भी बताना चाहूँगा कि आपका शजरा, आपके बारे में, आप हैं कौन। ये इमाम अली रसूलुल्लाह 8वें इमाम के फ़र्जंद हैं, शहज़ादे हैं। आप ये देखिए, आप इसका एंट्रेंस लेते हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए, नज़र मौला के लिए भी इंतज़ाम होते हैं, यहाँ पे किचन भी होता है। और ये देखिए, आप पूरा इधर से जिस गेट से भी आप अंदर आए हैं, एंट्री लिया है आपने, ये आपका गेट है माशाल्लाह से। इधर भी इधर रूम्स बने हुए हैं, ठंडा पानी का भी माकूल इंतज़ाम होता है, इधर वुजू खाना भी है और ये छोटा सा गार्डन भी है माशाल्लाह से। ये देखिए, इधर स्टेयर्स होते हैं, यहाँ से ऐसे हम लोग आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको ज़्यारत भी कराएंगे, मस्जिद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे मजलिसें होती हैं वो भी दिखाएंगे मुकाम। अब देखिए कितना खूबसूरत है गार्डन माशाल्लाह से। अभी देखिए, आप ये चीज़ देखिए कि पूरा कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। लब्बाई कया हुसैन लिखा हुआ है आपके सामने। ये गार्डन है छोटा सा, इस गार्डन में मोमिनीन जो हैं दस्तरखान लगता है, यहाँ पे बैठ के नज़र करते हैं जो ऐसे आते हैं। बहुत ही कम मुख्तसर से मोमिनीन होते हैं। एक ये दूसरा गेट आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, इस पे आप थोड़ा गौर करिए। रोज़ाए शहज़ादाए इमाम हज़रत मशहद अली अलैहिस्सलाम, पंचपीठ समाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब। आप इनका मर्तबा समझ रहे हैं, आप हैं इमाम ज़ादे। इमाम ज़ादे का मतलब, और सोचिए, इमाम अली रसूलुल्लाह के फ़र्जंद हैं। ये देखिए इनका पूरा शजरा कैसे क्या है, सारी चीज़ें इसमें हैं और इसको कैसे कैसे बिल्ड करवाया गया है, इसके बड़े वाक़यात हैं। तो थोड़े बहुत वाक़यात तो मैं इंशाल्लाह ताला अलग से भी मैं आपको इसमें शेयर करूँगा लास्ट में इंशाल्लाह। और ये एक मस्जिद है, ये मस्जिद है यहाँ पे, जहाँ पे पंजगा नमाज होती है माशाल्लाह से। ये मस्जिद है, ये आप हैं इमाम ज़ादे। इमाम ज़ादे का मतलब, और सोचिए, इमाम अली रसूलुल्लाह के फ़र्जंद हैं। ये देखिए इनका पूरा शजरा कैसे क्या है, सारी चीज़ें इसमें हैं और इसको कैसे कैसे बिल्ड करवाया गया है, इसके बड़े वाक़यात हैं। तो थोड़े बहुत वाक़यात तो मैं इंशाल्लाह ताला अलग से भी मैं आपको इसमें शेयर करूँगा लास्ट में इंशाल्लाह। और ये एक मस्जिद है, ये मस्जिद है यहाँ पे, जहाँ पे पंजगा नमाज होती है माशाल्लाह से। ये मस्जिद है, अभी अंदर बंद है, अभी मग़रिबैन का वक्त हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये अंदर हम लोग जाएंगे और नमाज का भी वक्त होगा तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद के ही बगल में ही यही गेट है जो मैं आपको दिखा रहा था, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे कैसे ये बना है और ये कितने ईयर्स ओल्ड है, ये देखो सारी हिस्ट्री है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, आपको मैं बड़ा करके दिखाना चाहूँगा मैं, कि यहाँ पे ये चीज़ देखिए लिखा हुआ है, हज़रत इमाम अली रज़ा इस्लाम के 5 बेटे थे, इमाम मोहम्मद तकी अल जव्वाद अलैहिस्सलाम, सैयद अली रज़ा रहमतुल्लाह, सैयद जाफ़र, सैयद हसन एंड सैयद हुसैन एंड डॉटर फातिमा रहमतुल्लाह। हज़रत सैयद अली रहमतुल्लाह वाज रिप्रेजेंटली कॉल्ड बाई मैनी निक नेम विज इमाम मशहद अलैहिस्सलाम। ये हज़रत सैयद अली रज़ा नाम है जिनको मोस्टली लोग कॉल करते थे इमाम मशहद अलैहिस्सलाम के नाम से। और ये 8th, आप देखिए साहब साहब लिखा है यहाँ पे, ये जो है 8th और 7th उसमें सेंचुरीज में इधर आ गए थे, जो वहाँ पे काफ़ी जुल्म व सितम हुए थे। आप एक एक चीज़ को देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आप रीड करते चलिए इंशाल्लाह, आगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये मोहम्मद गंजवी में कैसे यहाँ पे पंजाब में जो एम्परर था उसने कैसे यहाँ पे बिल्ड किया था। और उसके बाद जब जलालुद्दीन अकबर जब यहाँ पे उनको जब ताजपोशी हुई थी तो फिर उन्होंने थोड़ा सा बिल्ड किया था। और उसके बाद फिर यहाँ के हालात काफ़ी ख़स्ता हो गए थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब ये डिवाइड हुआ,
देन जहाँ पे जो भी सादात की बस्ती थी, सारी सादात की बस्ती सब छोड़ के वो यहाँ पे चले गए थे। ये देखिए है ना, यहाँ पे 30 नवंबर 1947 यहाँ पे सादात की बस्ती जो थी वो सारी छोड़ के चली गई थी पाकिस्तान डिवाइड एंड रूल्स में, और आज यहाँ पे कोई भी शिया सादात नहीं है। आज यहाँ पे कोई शिया सादात पाकिस्तान के जब ये डिवाइड हुआ, देन जहाँ पे जो भी सादात की बस्ती थी, सारी सादात की बस्ती सब छोड़ के वो यहाँ पे चले गए थे। ये देखिए है ना, यहाँ पे 30 नवंबर 1947 यहाँ पे सादात की बस्ती जो थी वो सारी छोड़ के चली गई थी पाकिस्तान डिवाइड एंड रूल्स में, और आज यहाँ पे कोई भी शिया सादात नहीं है। आज यहाँ पे कोई शिया सादात नहीं है, यहाँ पे जो भी है टोटल सिख लोग आते हैं। और अभी ये वक्फ बोर्ड में आ चुका है, ये देखिए अस्सलाम वालेकुम या इमाम मशहदे अलैहिस्सलाम, कितना खूबसूरत है। आप ये चीज़ देखिए, यहाँ के बड़े मोजज़ात हैं, बड़े वाक़यात हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से, मैं यहाँ जो पुराने जो यहाँ सिख लोग हैं, सरदार वगैरह आते हैं और भी जो यहाँ पुराने हैं, उनसे मैं आपका इंटरव्यू दिलवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको यहाँ के वो दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आप शूज़ निकालना, और उसके बाद देखिए कैसे, ये आप देख रहे हैं, ये इमाम के मामू की है। यहाँ पे बताया जाता है कि इमाम के मामू अलैहिस्सलाम हैं, यानी इमाम मशहद अली, यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के वाइफ के भाई। और भी इंशाल्लाह जो इसको पंचपीर के नाम से जाना जाता है, बाकी यहाँ पे और भी इंशाल्लाह जो ये देखो वॉल पे कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये मस्जिद है, मस्जिद का बैक साइड है ये। और इंशाल्लाह मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वक्त रहेगा तो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे, वो इमाम बारगाह जो 1947 से पहले का है और कब्ज़ा हो गया था, उसको कैसे मतलब यहाँ पे आज़ाद कराया। और भी कई इमाम बारगे हैं जिसमें आज भी पूरा प्ले ग्राउंड बना दिया गया है। और पंचपीर एक 11 पीर के नाम से भी एक है जगह, तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पे भी ले चलूँगा और वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको ज़ियारत कराने की। वहाँ पे आपके और भी रिश्तेदार वगैरह जो हुए थे, जो शहीद हो गए थे। ये ज़री मुबारक है, इसके अंदर बीबी समाना सलाम अलैहा है, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी और इमाम मशहद अलैहिस्सलाम के मम्मी हैं, माँ हैं, वालदा हैं। ये ज़्यारत देखिए, यहाँ पे नफ्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा तफसील से आप एक चीज़ को देखिएगा, पढ़िए आप। शहज़ादे इमाम मशहद अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और आठवें इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे, 9वीं सदी ईस्वी के आखिर। आज यहाँ पे कोई शिया सादात नहीं है, यहाँ पे जो भी है टोटल सिख लोग आते हैं। और अभी ये वक्फ बोर्ड में आ चुका है, ये देखिए अस्सलाम वालेकुम या इमाम मशहद अलैहिस्सलाम, कितना खूबसूरत है। आप ये चीज़ देखिए, यहाँ के बड़े मोजज़ात हैं, बड़े वाक़यात हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से, मैं यहाँ जो पुराने जो यहाँ सिख लोग हैं, सरदार वगैरह आते हैं और भी जो यहाँ पुराने हैं, उनसे मैं आपका इंटरव्यू दिलवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको यहाँ के वो दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आप शूज़ निकालना, और उसके बाद देखिए कैसे, ये आप देख रहे हैं, ये इमाम के मामू की है। यहाँ पे बताया जाता है कि इमाम के मामू अलैहिस्सलाम हैं, यानी इमाम मशहद अली, यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के वाइफ के भाई। और भी इंशाल्लाह जो इसको पंचपीर के नाम से जाना जाता है, बाकी यहाँ पे और भी इंशाल्लाह जो ये देखो वॉल पे कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये मस्जिद है, मस्जिद का बैक साइड है ये। और इंशाल्लाह मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वक्त रहेगा तो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे, वो इमाम बारगाह जो 1947 से पहले का है और कब्ज़ा हो गया था, उसको कैसे मतलब यहाँ पे आज़ाद कराया। और भी कई इमाम बारगे हैं जिसमें आज भी पूरा प्ले ग्राउंड बना दिया गया है। और पंचपीर एक 11 पीर के नाम से भी एक है जगह, तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पे भी ले चलूँगा और वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको ज़ियारत कराने की। वहाँ पे आपके और भी रिश्तेदार वगैरह जो हुए थे, जो शहीद हो गए थे।
ये ज़री मुबारक है, इसके अंदर बीबी समाना सलाम अलैहा है, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी और इमाम मशद अलैहिस्सलाम के मम्मी हैं, माँ हैं, वालदा हैं। ये ज़्यारत देखिए, यहाँ पे नफ्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा तफसील से आप एक चीज़ को देखिएगा, पढ़िए आप। शहज़ादे इमाम मशद अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और आठवें इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। नवी सदी ईस्वी के आखिर में मशद से हिंदुस्तान आए। खिलाफत बनी अब्बास अरब और ईरान के हदूद से दौरे बनी फातिमा के गिरोह ने अपना वतन छोड़ा और समाना के इस इलाके में पनाह गुजी। पैगंबर के ख़ानदान का हिंदुस्तान में आने वाला ये पहला काफिला था जिसके सालार इमाम मशद थे। इन्होंने अपनी पनाह पुराने हैं, उनसे मैं आपका इंटरव्यू दिलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको यहाँ के वो दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आप शूज़ निकालना और उसके बाद देखिए कैसे ये आप देख रहे हैं। ये इमाम के मामू की है, यहाँ पे बताया जाता है कि इमाम के मामू अलैहिस्सलाम हैं, यानी इमाम मशद अली, यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के वाइफ के भाई। और भी इंशाल्लाह जो इसको पंचपीर के नाम से जाना जाता है, बाकी यहाँ पे और भी इंशाल्लाह जो ये देखो वॉल पे कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये मस्जिद है, मस्जिद का बैक साइड है ये। और इंशाल्लाह मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वक्त रहेगा तो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे, वो इमाम बारगाह जो 1947 से पहले का है और कब्ज़ा हो गया था, उसको कैसे मतलब यहाँ पे आज़ाद कराया। और भी कई इमाम बारगे हैं जिसमें आज भी पूरा प्ले ग्राउंड बना दिया गया है। और पंचपीर 11 पीर के नाम से भी एक है जगह, तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पे भी ले चलूँगा और वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको ज़ियारत कराने की। वहाँ पे आपके और भी रिश्तेदार वगैरह जो हुए थे, जो शहीद हो गए थे। ये ज़री मुबारक है, इसके अंदर बीबी समाना सलाम अलैहा है, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी और इमाम मशद अलैहिस्सलाम के मम्मी हैं, माँ हैं, वालदा हैं। ये ज़्यारत देखिए, यहाँ पे नफ्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा तफसील से आप एक चीज़ को देखिएगा, पढ़िए आप। शहज़ादे इमाम मशद अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और आठवें इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। नवी सदी ईस्वी के आखिर में मशद से हिंदुस्तान आए। खिलाफत बनी अब्बास अरब और ईरान के हदूद से दौरे बनी फातिमा के गिरोह ने अपना वतन छोड़ा और समाना के इस इलाके में पनाह गुजी। पैगंबर के ख़ानदान का हिंदुस्तान में आने वाला ये पहला काफिला था जिसके सालार इमाम मशद थे। इन्होंने अपनी पनाहगाह का नाम अपनी वालदा माजिदा से मंसूब करके समाना रख दिया। पंजाब के गैर मुस्लिम लोगों ने इन 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 मुस्लिमों मजलूमों को सर आंखों पर जगह दी, मगर इमामज़ादा यहाँ भी हुकूमत से न बच सका और उसे शहीद कर दिया गया। पंजाब रजिस्टर 1923 के मुताबिक। और वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको ज़ियारत कराने की, वहाँ पे आपके और भी रिश्तेदार वगैरह जो हुए थे, जो शहीद हो गए थे। ये ज़री मुबारक है, इसके अंदर बीबी समाना सलाम अलैहा है, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी और इमाम मशद अलैहिस्सलाम के मम्मी हैं, माँ हैं, वालदा हैं। ये ज़्यारत देखिए, यहाँ पे नफ्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा तफसील से आप एक चीज़ को देखिएगा, पढ़िए आप। शहज़ादे इमाम मशद अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और आठवें इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। नवी सदी ईस्वी के आखिर में मशद से हिंदुस्तान आए। खिलाफत बनी अब्बास अरब और ईरान के हदूद से दौरे बनी फातिमा के गिरोह ने अपना वतन छोड़ा और समाना के इस इलाके में पनाह गुजी।
पैगंबर के ख़ानदान का हिंदुस्तान में आने वाला ये पहला काफ़िला था जिसके सालार इमाम मशद थे। इन्होंने अपनी पनाहगाह का नाम अपनी वालदा माजिदा से मंसूब करके समाना रख दिया। पंजाब के गैर मुस्लिम लोगों ने इन इन इन, मुस्लिमों मजलूमों को सर आंखों पर जगह दी, मगर इमामजादा यहाँ भी हुकूमत से न बच सका और उसे शहीद कर दिया गया। पंजाब रजिस्टर 1923 के मुताबिक शहजादा इमाम का रोज़ा पहली बार 12वीं सदी ईस्वी में बादशाह हिंद शहाबुद्दीन गौरी ने बनवाया था। इसको दूसरी बार अहद मुगलिया के मशहूर बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने अपनी ताजपोशी के शुक्राने के तौर पर 16वीं सदी ईस्वी 1967 हिजरी में इस रोज़े की तामीर नौ कराई। 1947 तक सवाना शहर सादात की बस्ती था। इस वक्त तक समाना में ईमानी मजलिसें और महफिले का सिलसिला जारी रहा। तकसीम हिंद के बाद समाना में क्योंकि मुस्लिम आबादी ख़त्म हो गई, इसलिए रोज़े की अजमत को इस तौर पर न समझा जा सका जिसका ये मुस्तहिक है। 2005 यानी 2005 में हुकूमत पंजाब के तऊन से रोज़े की बदायफ़ हुई। खुदा का शुक्र है कि ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ज़ायरीन के लिए ईमानी मरकज़ के तौर पे रोज़े की तामीर नौ हुई। ये आइए हम चलते हैं। आपको जैसे मैंने पहले बताया, पनाहगाह का नाम अपनी वालदा माजिदा से मंसूब करके समाना रख दिया। पंजाब के गैर मुस्लिम लोगों ने इन 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 मुस्लिमों मजलूमों को सर आंखों पर जगह दी, मगर इमामजादा यहाँ भी हुकूमत से न बच सका और उसे शहीद कर दिया गया। पंजाब रजिस्टर 1923 के मुताबिक शहजादा इमाम का रोज़ा पहली बार 12वीं सदी ईस्वी में बादशाह हिंद शहाबुद्दीन गौरी ने बनवाया था। इसको दूसरी बार अहद मुगलिया के मशहूर बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने अपनी ताजपोशी के शुक्राने के तौर पर 16वीं सदी ईस्वी 1967 हिजरी में इस रोज़े की तामीर नौ कराई। 1947 तक सवाना शहर सादात की बस्ती था। इस वक्त तक समाना में ईमानी मजलिसें और महफिले का सिलसिला जारी रहा। तकसीम हिंद के बाद समाना में क्योंकि मुस्लिम आबादी ख़त्म हो गई, इसलिए रोज़े की अजमत को इस तौर पर न समझा जा सका जिसका ये मुस्तहिक है। 2005 यानी 2005 में हुकूमत पंजाब के तऊन से रोज़े की बदायफ़ हुई। खुदा का शुक्र है कि ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ज़ायरीन के लिए ईमानी मरकज़ के तौर पे रोज़े की तामीर नौ हुई। ये आइए हम चलते हैं। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, आठवें इमाम के फ़र्ज़ हैं ये। अस्सलामु अलैका या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इमाम मशद अलैहिस्सलाम। ज़ियारत फरमाएँ, दुआगो हो जाएँ। मैं आप सबके तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबके जानिब से मैं दुआ गो हूँ। खुदा हम सबको इमाम ज़ादे की रोज़े की ज़ारत नसीब फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। खुदाया हम सब की तमाम नेक हाजतों को, नेक दुआओं को कबूल फरमाए। इलाही आमीन। परवरदिगारा तुझे वास्ता इस इमाम का, इमाम ज़ादे का वास्ता। ऐ मेरे करीम महबूद, जो बे औलाद हैं उनको औलाद इनायत फरमा। इलाही आमीन। जो परवरदिगारा जो पालने वाले हैं मेरे करीम महबूद, ये ज़ियारत करें आप लोग और दुआ भी करते रहें। ये देखिए यहाँ पे पालने वाले हैं मेरे करीम महबूद, ये ज़ियारत करें आप लोग और दुआ भी करते रहें। ये देखिए यहाँ पे पालने वाले जो बेरोज़गार उनको रोज़ी इनायत फरमा, जो रोज़ीदार हमको तरक्की इनायत फरमा।
भाई मेरे करी महबूद, आप ये चीज़ पूरा देखिए। मेरे करी महबूद, जो तमाम अपनी नेक हाजतों को नेक उसकी बोलते हैं, उस नेक दुआओं, उन सब की तमाम नेक हाजतों नेक दुआओं कबूल फरमाइए। परवरदिगार, जितने लोग दुआ गो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देखेंगे, मेरे करी महबूद, उन सब तमाम नेक हाजतों नेक दुआओं कबूल फरमाइए। आपको वास्ता है बीबी समाना सलाम अलैहा का, आपको वास्ता है मशहद अली अलैहिस्सलाम का। ये देखिए अंदर दो कब्र है, जरी के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा, ये दो कब्र हैं। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे दो, देर आर टू ग्रेव इन अ जरी। वन इज़ द इमाम मशहद अली रहमतुल्लाह एंड अदर वन इज़ मदर ऑफ। दो कब्रें हैं जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वाइफ अहलिया की कब्र है, और एक आपके सबसे छोटे बेटे इमाम मशद अलैहिस्सलाम की है। ये ज़रिए मुबारक है, आइए हम ज़ियारत करते हैं और दुआ को होते हैं। एक दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। खुदाया इमाम हुज्जत का ज़हूर जल्द इनायत फरमाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो भी आता है कोई खाली नहीं जाता, आप भी दुआ को हो जाएँ और यहाँ इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए ज़रूर आए। ये अंदर का आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको मैं चारों तरफ से मैं इनकी ज़ियारत करा रहा हूँ। मैं यहाँ जितना हो सकता है आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करते रहें, दुआ गो होते रहें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक इधर से भी निकलने का रास्ता है, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मैं चारों तरफ से दिखाना चाह रहा हूँ। मैं देखिए सलवात पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़े यहाँ के किस्से हैं, बड़े वाक़यात हैं यहाँ पे। आप भी दुआगो हो जाएं और यहाँ इंशाल्लाह ज़्यारत के लिए ज़रूर आएं। ये अंदर का आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको मैं चारों तरफ से मैं इनकी ज़्यारत करा रहा हूँ। मैं यहाँ जितना हो सकता है आप आएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करते रहें, दुआगो होते रहें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक इधर से भी निकलने का रास्ता है, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मैं चारों तरफ से दिखाना चाह रहा हूँ। मैं देखिए सलवात पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़े यहाँ के किस्से हैं, बड़े वाक़यात हैं यहाँ पे। जो सिख लोग हैं वो लोग बताते हैं कि अपनी आँखों से उन्होंने लाइव देखा है, देखते हैं कि शब जुमे में कितनी रोशनी होती है, मशालें आती हैं यहाँ पे, लॉइन वगैरह भी आते थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आपको मैं यहाँ पे इंटरव्यू कराऊंगा मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में, या इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इधर से एंट्री होती है आपके, ये मामू की भी है, ये इधर मजलिसें होती हैं। मगरिब का वक्त होने वाला है, अजान का वक्त है, इसलिए माज़रत चाहता हूँ मैं आप सबसे। इंशाल्लाह आगे की और ज़्यादा मैं कल सुबह में करवाऊँगा, ये अंदर मजलिस के लिए है। और जब यहाँ अभी फ़िलहाल 19-20 नवंबर 2022 में यहाँ पे मजलिस का इंतमाम है, तो यहाँ पे टेंट लगेगा, यहाँ पे सारी मजलिसें होंगी इंशाल्लाह। ये आपके मामू का है, ये अलम मुबारक नफ्स है। बहुत जल्दी जल्दी में मैं आपको ज़्यादा करा देता हूँ, क्योंकि वक्त मगरिबैन हो रहा है। सलाम अलैका, ये देखिए कैसे, आप देखिए आपको ऐसे झुक के काफ़ी नीचे होके जाना पड़ेगा, और अंदर थोड़ा सा ये है, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفلاح اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد صل. आराम से सर झुका के आपको आना है, कभी ऐसा ना हो जाए कि आपके हेड में लग जाए। आगे इंशाल्लाह आप इस वीडियो पे बने रहिएगा तो इंशाल्लाह हम आपको और भी हिदायत कराएंगे। चलिए दुआ में याद रखिए, गलत बात दुआ फ़ी मान ला खुदा।